हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन एंड यू आर वॉचिंग रोशन टेक्स इन द यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने फ्लिपकार्ट पे 2023 के जनवरी मंथ में कैसे सेल्स देखने को मिलने वाले हैं, कैसे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, उस पर हमने डिस्कस किया था। ओके, तो आज मैं आपको इस वीडियो में अमेजोन पे कैसे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सेल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं 2023 के जनवरी मंथ में, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन से वो सेल्स होंगे जिन पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आपने स्मार्टफोन परचेस करने का प्लान किया है, लैपटॉप परचेस करने का प्लान किया है, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ हेडफोन्स वगैरह परचेस करने का प्लान किया है, तो आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कौन से डेट पर कौन सी सेल्स आएगी वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे पहली सेल है सुपर वैल्यू डे सेल। ये सेल 1 जनवरी से हमें देखने को मिल सकती है। इस सेल में हमें अप टू 45% का ऑफ देखने को मिलने वाला है अमेजोन पेंट्री पे। सेकेंड सेल है शाओमी की फ्लैगशिप डे सेल। ये सेल 4 जनवरी से हमें देखने को मिलने वाली है। इस सेल में आपको शाओमी के स्मार्टफोन्स पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन परचेस करना है तो इस सेल में आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स पे काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, तो आपको 4 जनवरी का थोड़ा सा वेट करना चाहिए, तो आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तीसरी सेल है होम शॉपिंग सेल। ये सेल 7 जनवरी से हमें देखने को मिलेगी। इस सेल में आपको होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्ट पे काफ़ी अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा। अगली सेल है मेगा फैशन डे सेल। ये सेल 7 जनवरी से हमें देखने को मिल सकती है और इस सेल में आपको अप टू 70% का ऑफ मिलने वाला है क्लोथिंग, फुटवेयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। ओके? अगली सेल है बुक बाजार सेल। ये सेल 10 जनवरी से हमें देखने को मिलने वाली है। इस सेल में आपको अप टू 40% का ऑफर देखने को मिलने वाला है बुक्स पे। अगर आपको बुक्स वगैरह परचेस करने हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। अगली सेल है स्टाइल बाजार सेल। ये सेल 11 जनवरी से हमें देखने को मिलने वाली है। जो फैशन रिलेटेड कैटेगरीज है उन पे काफ़ी अच्छा प्राइस देखने को मिल सकता है। 7th नंबर की सेल है। ये सेल 2023 के जनवरी मंथ की सबसे बड़ी सेल हमें अमेजोन पे देखने को मिलने वाली है। इस सेल का नाम है अमेजोन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल। ये सेल आपको 17 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच देखने को मिल सकती है। इस सेल में आपको एक्स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा और ये जो सेल है, ये सेल 2023 के जनवरी मंथ की सबसे बड़ी सेल होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो आप 17th से 20th जनवरी तक का वेट कर सकते हो, तब आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। 8 नंबर की सेल है ग्रैंड गेमिंग डे सेल। अगर आपको गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह परचेस करना है, गेमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं, तो ये सेल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। इस सेल में आपको अप टू 50% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है गेमिंग गैजेट्स पे और ये सेल 28th जनवरी से हमें देखने को मिल सकती है। जो 9th नंबर की सेल है हेल्थ एंड फिटनेस सेल। हेल्थ एंड फिटनेस सेल 27th जनवरी से हमें देखने को मिलेगी। इस सेल में आपको हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे काफ़ी अच्छा डील देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इस टाइप की सेल्स आपको अमेजोन पे देखने को मिलने वाले हैं। जो जनवरी का मंथ होगा, जनवरी के मंथ में आपको काफ़ी ज़बरदस्त सेल देखने को मिल सकती है। अगर आपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेस करने का प्लान किया है, स्मार्ट वॉच परचेस करना है, साउंड बार सिस्टम परचेस करनी है, तो आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि जनवरी के मंथ में आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं जो भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट रिलेटेड सेल्स की अपडेट दूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। और मैं इस चैनल पर काफ़ी सारे ऑफर्स रिलेटेड के बारे में भी बात करता रहता हूँ कि आपको कौन से प्रोडक्ट पे कैसा डिस्काउंट ऑफर देखने को मिलता है, स्मार्टफोन पे कैसा डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर आपको उसकी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ यार चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।